दलीप ट्रॉफी में शानदार शतक जमाने के बाद ईशान किशन ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसे लोग बीसीसीआई को जवाब मान रहे हैं। ईशान ने केवल दो लाइन लिखी है, लेकिन बात काफी गंभीर लग रही है। बता दें कि पिछली बार बीसीसीआई से पंगा लेने के चक्कर में ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अब वापसी के चक्कर में ईशान कहीं फिर तो नया पंगा नहीं ले रहे हैं। दरअसल दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी की ओर से खेलते हुए ईशान किशन ने 126 गेंदों पर 111 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके बाद ईशान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा अधूरा काम। सोशल मीडिया पर ईशान का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि ईशान किशन काफी समय से टीम इंडिया से बाहर हैं। ईशान ने आखिरी बार पिछले साल साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान भारत के लिए मुकाबला खेला था। मानसिक थकान के कारण सीरीज से हटने के बाद से ईशान ने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। बीसीसीआई ने ईशान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया था। बीसीसीआई के कहने के बावजूद ईशान ने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था और सीधे आईपीएल खेला था, जिसके बाद ये नाराजगी की खबरें सामने आई थी। आखिरकार ईशान ने दलीप ट्रॉफी में खेलकर वापसी की उम्मीद जगाई है। ईशान ने इंडिया बी के खिलाफ मैच में शानदार पारी खेली और अपने प्रथम श्रेणी करियर का 7वां शतक जड़ा। और उसके बाद से खबर ये भी आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज का ईशान किशन हिस्सा हो सकते हैं। हिस्सा इसलिए भी होंगे क्योंकि वहां पर जो भारत के इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, चाहे वो शुभमन गिल की बात करें या फिर ऋषभ पंत की बात करें, उनको आराम दिया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इन सभी खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। ऐसे में जो जगह खाली होगी वहां पर उम्मीद है कि विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को इंडियन टीम में वापस मौका मिलने वाला। अब देखते हैं कि ईशान को मौका मिलेगा या फिर संजू जुरेल या फिर सिलेक्टर्स दूसरे विकेट कीपर के लिए जाते हैं। कमेंट करके आप जरूर अपना जवाब दें कि T20 में क्या ईशान की वापसी होनी चाहिए या जुरेल की तरफ जाना चाहिए।